क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी डिलीवरी डेट तक को मतदान के लिए आगे बढ़ा दे? ये है कानपुर की शालिनी, जिसने अपने पहले वोट की अहमियत को समझते हुए अपनी डिलीवरी तारीख को भी टाल दिया। शालिनी ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया, आइए जानते हैं। 13 मई को जब कानपुर और अकबरपुर में मतदान चल रहा था, शालिनी को अस्पताल में होना चाहिए था क्योंकि उसकी डिलीवरी की तारीख थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसी दिन मतदान भी है, तो उसने अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी डिलीवरी की तारीख आगे बढ़वा दी। शालिनी का कहना है कि मतदान करना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह उसका पहला वोट था और वह इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती थी। क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना था, इस वजह से मैं अपनी डेट आगे दो दिन बढ़वा ली, क्योंकि डिलीवरी बाद में मतदान पहले होना जरूरी है सरकार की सेवा के लिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद शालिनी ने कहा कि ये वोट उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। उसने बताया कि मतदान के तुरंत बाद वह अस्पताल जाकर अपनी डिलीवरी कराएगी। हाँ, मेरा ये पहला वोट है, अच्छा लगा। हाँ, इधर से जाके अब मैं भर्ती हो जाऊंगी। शालिनी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण हैं। उसकी ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और उन्हें कैसे संजोकर रखना चाहिए। तो आइए हम सभी अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं। लोकल 18 के लिए कानपुर से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट।